अक्षय कुमार की पिछली फिल्म बड़े मियां छोटे मियां ईद पर रिलीज हुई थी। फिल्म की ओपनिंग 15 करोड़ रुपए से हुई थी, लेकिन ओपनिंग के बाद मामला डगमगाता ही चला गया। ट्रेड वेबसाइट सेक्नल की रिपोर्ट के मुताबिक BMCM 15 दिनों में सिर्फ 58 करोड़ रुपए का ही कलेक्शन कर सकी। अगर बात अक्षय की पिछली फिल्मों की करें तो सम्राट पृथ्वीराज से लेकर सेल्फी तक उनकी किसी भी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कोई खास इम्पैक्ट नहीं छोड़ा। हालांकि अक्षय की इस साल कुछ और फिल्में भी आने वाली हैं, वो कौन सी फिल्में होंगी आइए जानते हैं। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने हाल ही में अपने एक्स पर अक्षय कुमार की एक फोटो को पोस्ट किया और इस पोस्ट में लिखा, इस साल अक्षय कुमार की चार और फिल्में आएंगी, ये फिल्में 2024 के सेकेंड हाफ में आएंगी। इस पोस्ट में अक्षय कुमार की आने वाली चारों फिल्मों का नाम भी था, जिसमें 12 जुलाई को सिरफिरा, 6 सितंबर को खेल खेल में, 2 अक्टूबर को स्काई फोर्स और क्रिसमस पर वेलकम 3 का जिक्र था। साथ ही सिंघम 3 का भी जिक्र किया गया था। तो चलिए हम आपको इन फिल्मों के बारे में बताते हैं। सिरफिरा का पहला लुक 2 महीने पहले ही आ गया था। इस फिल्म को सुधा गोंगरा ने डायरेक्ट किया है। इस फिल्म में अक्षय कुमार के अलावा परेश रावल, राधिका मदान और सीमा बिस्वास भी नजर आएंगी। इस फिल्म के टीजर में अक्षय कुमार मोटरसाइकिल पर बाहें फैलाकर मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक ये फिल्म साउथ इंडियन फिल्म सोरा रई पोटरू का हिंदी रीमेक हो सकता है और इस फिल्म में पहले साउथ इंडियन एक्ट्रेस सूर्या ने भी काम किया है। सिरफिरा के बाद अक्षय कुमार की अगली फिल्म खेल खेल में होगी। इस फिल्म में अक्षय कुमार के अलावा फरदीन खान, तापसी पन्नू और वाणी कपूर जैसे बड़े एक्टर्स भी दिखेंगे। इस फिल्म की कहानी दोस्तों के एक ग्रुप के बारे में है। ऐसा बताया जा रहा है कि फिल्म 2016 में आई एक इटालियन फिल्म परफेक्ट स्ट्रेंजर का रीमेक है। इस फिल्म को मुदस्सर अजीज डायरेक्ट कर रहे हैं। अक्षय कुमार की स्काई फोर्स का पहला लुक पिछले साल ही सामने आया था। इस फिल्म की कहानी भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 में हुए युद्ध के बारे में होगी। फिल्म में सारा अली खान, निमृत कौर और वीर पहाड़िया नजर आएंगे। वीर की ये पहली फिल्म होगी। फिल्म को 2 अक्टूबर को इसलिए रिलीज किया जा रहा है क्योंकि उस दिन लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन है, जो 1965 में देश के प्रधानमंत्री थे। इस फिल्म को संदीप केवलनी डायरेक्ट कर रहे हैं। पिछले साल दिसंबर में खबर आई थी कि अक्षय कुमार ने वेलकम के फ्रेंचाइज पर काम करना शुरू कर दिया है। इस फिल्म का नाम वेलकम टू जंगल है। फिल्म में दिशा पाटनी, लारा दत्ता और संजय दत्त जैसे कई सारे स्टार्स नजर आएंगे। इस फिल्म को अहमद खान डायरेक्ट कर रहे हैं और फिरोज नाडियाडवाला फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। वहीं हाल ही में खबर आई थी कि अक्षय कुमार प्रियदर्शन के साथ काम करने वाले हैं। प्रियदर्शन ने इंटरव्यू में बताया था कि वो अक्षय कुमार के साथ एक फिल्म पर काम करना शुरू करने वाले हैं, जिसे एकता कपूर प्रोड्यूस करेंगी। ये ह्यूमर के साथ हॉरर फैंटेसी फिल्म होगी। प्रियदर्शन और अक्षय कुमार ने भूल भुलैया पर साथ में काम किया था। उस फिल्म की थीम में भी हॉरर और कॉमेडी जैसे कीवर्ड्स कॉमन थे। बात अगर अक्षय कुमार की कुछ पिछली फिल्मों की करें तो इनकी 7 से 8 फिल्में बैक टू बैक फ्लॉप हुई हैं। इस साल की उनकी पहली फिल्म भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई थी। अब देखने वाली बात यह होगी कि उनकी आगे आने वाली फिल्में कैसा परफॉर्म करती हैं। आपके लिए सारी जानकारी जुटाई थी मेरे साथ ही शिवांगी ने। मेरा नाम है विभावरी। सिनेमा की बाकी खबरों के लिए बने रहिए नलन टॉप सिनेमा के साथ। शुक्रिया।